हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बना रही हूँ तोरी के साथ मूंग की दाल की पकौड़ी जी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले ली है आधा किलो तोरी। इसको मैंने अच्छे से छील के कट कर लिया। आप मीडियम साइज के पीस कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा लंबा भी कट कर सकते हैं, आपको जैसे भी पसंद हो। और फिर मैंने ले लिया यहाँ पर ताज़ी कोरिएंडर, ये ले लिया मैंने, टमाटर, अदरक, और ये मैंने लिए बिल्कुल ताज़ी, ये हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल है फ्रेंड्स। पुदीने की पत्तियाँ, प्याज, ये सब ऐड करेंगे हम इसमें। तोरी के साथ मैं क्या ऐड करने वाली हूँ फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। ये हमारे यहाँ पर मिलती है कानपुर में, ये क्या मूँग की दाल की मंगोड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ पकौड़ी भी बोलते हैं। तो ये मूँग की दाल की बनी होती है, और मूँग की दाल की होती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा, ये साइज़ देखिए फ्रेंड्स कितना छोटा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना छोटा साइज़ है फ्रेंड्स। ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा, मतलब जितनी हमारी तोरी गलेगी ना उतना गल जाएगा। उससे पहले हमें जल्दी गलाने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा घी या तेल में, किसी भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी फ्राई कर सकते हैं। उसको हमें हल्का हल्का ब्राउन फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आधा किलो तोरी में 50 ग्राम के करीब ये ले ली है मंगोड़ियाँ। तो आप अगर आपको टेस्टी लगे, आप पहले थोड़ी बना के देखिए, अगर टेस्टी लगे तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि मूंग की दाल की जो बड़ी होती है बहुत ही अच्छी हेल्दी होती है, और तोरी तो आपको पता ही है तोरी में कितने सारे रिच होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हमने यहाँ पे तेल गर्म होने रख दिया। मैंने नॉर्मल रिफाइंड लिया है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, पहले थोड़ा सा डाल के देखेंगे, गर्म हो गया तो हमें इसको हल्का हल्का सा ब्राउन करना है बस, ज़्यादा हमें इसको जलाना नहीं है, मतलब बिल्कुल हल्का सा शेडो फ्राई करना है बस। तो हमारा गर्म हो चुका है, इसको अच्छे से, इसको हमें डीप फ्राई करना है फ्रेंड्स, तो जल्दी भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक मिनट के अंदर ये फटाफट से फ्राई होने लग जाते हैं। अभी मेरे बोलते बोलते ही देखिए फिर ये फ्राई भी होने लगे हैं। हमें इसको जल्दी से निकालना पड़ेगा। फिर देखिए खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। तो ये हमारे फ्राई हो गए, अब हम इसको निकाल देंगे। अच्छा सा ये फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और ये बहुत हार्ड हो गए, करारे हो चुके हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ले लेना है यहाँ पर एक पिंच जीरा। जीरा डालने के बाद, हम मैंने ले लिया है 1 पिंच हींग। जो होता है हमारा खाने का जो टेस्ट है दोगुना कर देता है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद हम लेंगे जो हमने प्याज को कट कर लिया था, हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन मैं इकट्ठे ही ले रही हूँ फ्रेंड्स। इसको हमें हल्का हल्का ब्राउन कलर का करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन होने तक हमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। इससे हमें अपने धनिया के पत्ते और ये इसको मैं कट कर लेती हूँ, बहुत बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ ये। हमारी ये प्याज थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, मैं यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसे लाल मिर्च जो बहुत थोड़ी डालने वाली हूँ फ्रेंड। क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे हो, आपके भी कोई ऑप्शन ना हो ऐसी मिर्च हो जाएगी ज़्यादा, तो मैं ऐसी मिर्च डालती हूँ। और अगर आपको खाना है तो इसे आप कट करके खा सकते हो, हमेशा अपनी रेसिपी में ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड। तो अगर आपको आप खाते हैं तो आप कट करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें टमाटो ऐड कर दिया, इसको भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे पकाना है। और मैं इसमें क्या कर दूँगी फ्रेंड, क्योंकि जल्दी हमारे टमाटर प्याज पक जाए, हमने इसमें 1/2 स्पून ये मतलब सब्जी के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी, जितना आप सब्जी में डालना आपको, आपको सब्जी की क्वांटिटी है उस हिसाब से, ऐसे आप थोड़ा कोई तेज भी खाता है नमक थोड़ा कम यहाँ पर फ्रेंड तो आप डाल सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा सा सिम पे पका लेना है, ताकि हमारा ये गले भी और अच्छे से सॉफ्ट हो। सिम पे रखा हुआ है, थोड़े हमारे टमाटर के साथ हमारा मसाला भी पक जाएगा। तो हम अपने मसाले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने बहुत ही 1 पिंच लाल मिर्च, 1/2 स्पून मैंने ले लिया है धनिया का पाउडर, और 1/2 ही मैंने ले लिया है टर्मरिक, थोड़ी सी टर्मरिक ताकि कलर अच्छा आए फ्रेंड्स। और हमने यहाँ ले लिया है सब्जी मसाला, नॉर्मली सब्जी मसाला होता है ना फ्रेंड्स। और मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी फ्रेंड्स चाट मसाला, क्योंकि ना थोड़ी सी खट्टी चटपटी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, रोटी के साथ खा सकते हैं आप, इसे चावल के साथ भी। अगर आपको तरी करना चाहते हैं तो आप तरी में तरी भी कर सकते हैं, इसमें आप डाल देंगे। तो मैं तरी नहीं करूँगी, तो मैं थोड़ा सा डालूँगी ताकि बस हमारा ये गलने के लिए इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज मिल जाए कि
क्योंकि बिल्कुल सूख गया है ना फ्रेंड्स, इसका जो मसाला बिल्कुल सूख गया। अगर हमें तोरी तोरी बनानी होती तो मैं इसी में ऐड कर देती फ्रेंड्स। गैस हमारी सिम है फ्रेंड्स, हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि तोरी जो होती है फ्रेंड्स, तोरी में भी बहुत ही मतलब तोरी में पानी अपने आप ही आ जाता है फ्रेंड्स। तोरी बहुत ही ऐसी होती है जिसमें पानी छोड़ती है तोरी, तो हम इसे 2 सेकंड के लिए पका लेंगे ताकि पानी हमारा अच्छे से पक जाए। मसाले अच्छे से हमारे भून चुके थे तो हमारे मसाले भी अच्छे से पक गए। चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। नमक हमने ऐड नहीं किया, जब हमने पहले ऐड कर दिया था तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कर भी सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है तो। ये जो बड़ी हमने ली थी फ्राई करके, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि अभी से पकना शुरू हो जाए मसाले के साथ ही, थोड़ा सा पानी के साथ अभी से पकना स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर आपको एक सीटी लगानी है तो आप एक सीटी भी लगा सकते हैं, बट जो ये धीरे धीरे पकने में सब्जी का टेस्ट होता है ना फ्रेंड, वो जल्दी से नहीं होता, वो ज़्यादा पानी छोड़ देगी, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा पानी उड़ता भी रहता है फ्रेंड भाप के साथ, क्योंकि खुली पकती है सब्जियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने बड़ी डाल दी, अब हमारे आया है चांस तोरी डालने का, तो तोरी मैंने ऐड कर दी है इसमें, तो हम तोरी को भी अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आप बड़ी को अगर हल्की सी एक सीटी लगा के डालना चाहते हैं, अगर आपको बहुत टाइम नहीं है आपके पास, तो आप हल्की सी बस एक जगह से भाप बने तो आप बंद कर दीजिए इसको बहुत जल्दी। इसको हमेशा फ्राई करके ही फ्रेंड्स, हल्की सी फ्राई करके ही आप वो बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी अच्छी लगेगी फ्रेंड। नहीं तो ना क्या होता है, वो कच्ची कच्ची सी लगती है, फिर जब हम बनाते हैं ना वो घुल जाती हैं एकदम से, तो इसलिए मैं हमेशा फ्राई करके ही बोलती हूँ कि फ्राई करके ही बनाना चाहिए फ्रेंड। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लीजिए, कितना टाइम लगा, सिर्फ 1-2 सेकंड लगा, वो तेल गर्म था जल्दी से गया। तब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा धनिया, और मैंने मेन किचन धनिया पुदीना दोनों मिक्स कर लिया है ताकि बहुत ही खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ हमारा पानी देखिए सूख गया ऑलमोस्ट, अब हम इसे ढक देंगे, अब हम इसको ढक देंगे। हमें इसको 20 मिनट तक सिम पर ही रखना है, उसके बाद हम चेक करेंगे। अगर हमारी सब्जी गल गई होगी, तोरी तो फ्रेंड्स गल जाती है 10 मिनट के अंदर अंदर, बट ये जो मैंने इसमें ये डाली है मूंग की दाल की बड़ी, ये थोड़ा टाइम लेती है, बट ये छोटी वाली है तो ये गल जाएंगी इसके साथ ही। तो हम पूरी कोशिश रहेगी कि 15-20 मिनट में हमारी सब्जी बन जाए, तो ये इस पर डिपेंड करता है फ्रेंड। तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देती थी, हमारी सब्जी पक रही है। देखिए ये मैं दूसरा पैकेट भी लेके आई थी, ये ना मॉल वगैरह में मिल रहा है, जैसे जहाँ बिग बाजार वगैरह होता है ना वहाँ आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि ये मैंने पहली बार देखी है। ये भी देखो मूंग दाल की बड़ी है, और ये देखिए थोड़ा इससे बड़ा साइज है, ये थोड़ी मोटे में, तो इसको क्या है थोड़ा हमें सीटी में पकाना पड़ेगा। जैसे 2 सीटी लगा दो आलू के साथ, मटर के साथ, लौकी के साथ, सेम ऐसे आप लौकी के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये भी बहुत ही टेस्टी, ये भी मैं मूंग की दाल ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है और सबको मूंग की दाल ही ज़्यादा पसंद थी, और ये फ्रेंड्स मैंने 2-3 बार यूज़ कर ली है, फिर मैंने कहा बहुत ही टेस्टी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना, ये छोटी वाली है, इसके साथ बहुत छोटा छोटा जैसे बूंदी बूंदी होती है ना, बूंदी इतना है, और इसका थोड़ा सा बड़ा है जैसे सोयाबीन होती है ना उतना बड़ा है, तो मगर बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। ये आप घर में भी बना सकते हैं, अगर आप कमेंट में बताएं तो मैं आपको इसकी बड़ी बनाने की भी रेसिपी शेयर करूँगी, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी थोड़ी पक रही है, अभी इसको पकने देते हैं। ये देखिए अपने आप ही पानी आ गया इसमें, क्योंकि ये भाप बनती है तो इसका भी पानी बन रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी मिलती हैं थोड़ी देर में इसे पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, गल भी चुकी है फ्रेंड्स, ये देखिए फूल की थोड़ी मोटी मोटी भी हो गई है, ये जो मैंने डाली थी ना सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन की कह रही हूँ मूंग दाल की बड़ी। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम इसमें मैगी मसाले, आपको पता ही है मिल जाता है मार्केट में अच्छे से, थोड़ा सा डालेंगे। अगर आप गरम मसाला भी हो सके तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी गरम मसाला अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला ले लिया। तो हमने गैस को सिम कर देना है फ्रेंड्स, और अब हम इसमें धनिया वगैरह डाल देंगे, क्योंकि मैंने वैसे भी पहले भी डाल चुका है तो थोड़ा सा और हमने डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छी और गल भी चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये बड़ी ले ली है मैंने, जो आप मैंने दिखाई थी आपको, देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए हाथ से ही टूट गई है। तो आप अगर एक सीटी भी लगाना चाहें ना फ्रेंड्स तो लगा सकते हैं। तो चलिए हमारी सब्जी हो गई है रेडी, आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं और वैसे नॉर्मली भी खा सकते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।